हाय का सबको स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है नताशा सिंह और आज मैं करूंगी अनबॉक्सिंग Xiaomi के एक लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त डिवाइस की, जो कि है हमारा Xiaomi का 11T Pro। इस डिवाइस की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वैसे ये हमारा 40,000 रुपए के प्राइस में आता है, लेकिन ऑफर लगाने के बाद ये आपको 36,000 रुपए के प्राइस में मिल सकता है। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स और मैं आपको बताती हूँ कि ये फोन हमारा कैसा है। काफी बड़ा और काफी हैवी बॉक्स है इसका। सबसे पहले नजर डालेंगे हम अपने डिवाइस पे। वाओ, सो ये रहा हमारा डिवाइस मूनलाइट व्हाइट कलर में, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा प्रीमियम डिवाइस लग रहा है। डिवाइस को मैंने पूरी तरह सेटअप कर लिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाती है ग्लास बॉडी, जिसमें देखने में डिवाइस हमारा काफी प्यारा नजर आ रहा है। मतलब हाथ में होल्ड करने में प्रीमियम तो लगेगा ही, लेकिन आप देख सकते हैं बैक साइड में जो हमारे पास सिरेमिक फिनिश आ रही है, वो एक्चुअल में देखने में काफी प्यारी नजर आ रही है। मतलब डिवाइस देखने में भी लुक वाइज कमाल का लग रहा है। हालांकि इस डिवाइस के अंदर हमें मिलती है प्लास्टिक की फ्रेमिंग, तो उतना सॉलिड आपको फील यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा वैसे डिवाइस के डिजाइन में आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड हमारे पास आती है स्पीकर ग्रिल, उसके साथ है हमारी टाइप सी पोर्ट, उसके साथ है हमारा माइक, साथ ही है हमारी सिम ट्रे, जिसके अंदर वाटर सीलिंग तो आपको मिल जाती है, उसके साथ आपको दो सिम कार्ड डालने की भी ऑप्शन मिलती है। हालांकि आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहां पे 5G सपोर्ट मिल रहा है, वो भी मल्टीपल बैंड्स में। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन के ऊपर है वॉल्यूम रॉकर्स, और टॉप साइड में है हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी माइक, उसके साथ हमारा सेकेंड स्पीकर, और उसके साथ है हमारे पास यहां पे आयर ब्लास्टर, जिससे कि आप इस डिवाइस को एज रिमोट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो लुक वाइज तो डिवाइस हमारा काफी प्यारा हो गया। बैक साइड में जो कैमरा मॉड्यूल है वो है हमारा पूरा ब्लैक कलर में, जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है हमारा, और नीचे की साइड है हमारे पास Xiaomi की बैजिंग। तो डिजाइन वाइज तो डिवाइस काफी अच्छा है। इसके साथ अगर मैं बात करूं डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो यहां पे हमें काफी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। मतलब 5000mAh की बड़ी बैटरी दी है Xiaomi ने, और अच्छी चीज मैं बताऊं ये है कि डिवाइस के अंदर 5000mAh की बैटरी है, ग्लास बॉडी है, लेकिन तब भी इसका जो वेट है हमारा 206 ग्राम का ही है। मतलब उतना भी ज्यादा वेट नहीं है डिवाइस का, आप एक हाथ से भी इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं। इसके एजेस हमारे कर्व्ड हैं, तो पूरी तरह डिवाइस आपके ग्रिप में ही रहेगा। अच्छी चीज ये है कि आपको बैटरी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे लगता है यार 5000mAh की बैटरी ना स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए हर एक बजट के अंदर, क्योंकि आजकल देखा जाए तो यूजेज कितनी बढ़ गई है सबकी, तो उस हिसाब से बंदा बिना कुछ सोचे आराम से बिना टेंशन के आराम से फोन को यूज करे, उसके लिए 5000mAh की बैटरी तो होनी ही चाहिए और इसमें हमें मिलती है। लेकिन अच्छी चीज ये भी है कि इस डिवाइस के अंदर हमें जो चार्जिंग दी गई है वो एक अलग बेंचमार्क सेट किया है। मतलब आपको यहां पे मिल जाती है 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। फ्लैगशिप कैटेगरी की मैं बात करूं मिड रेंज से फ्लैगशिप के अंदर, तो यहां पे हमारे पास ना मतलब सबसे ज्यादा तो सैमसंग और एप्पल ने ही हमें परेशान कर रखा है चार्जिंग को लेके, कि उसके अंदर हमें 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग या 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग या 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग कहा जाता है, लेकिन यहां पे एक बेंचमार्क सेट किया है Xiaomi ने और हमें 120 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही दिया है। मतलब आप मजे से डिवाइस को चार्ज कर सकते हो फटाफट से, जितनी देर में मतलब आप नाश्ता करके आओगे उतनी देर में डिवाइस आपका चार्ज हो जाएगा। ये चीज बहुत ही बढ़िया है। सो उस हिसाब से देखा जाए बाकी कंपनियों को भी इस चीज से सीखना चाहिए। वैसे बॉक्स के अंदर बाकी कंटेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपको मिल जाती है टाइप सी केबल, उसके साथ है हमारे पास इजेक्शन पिन, कुछ डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही है हमारा बैक केस, जिसके अंदर आपकी लुक जो है वो तब भी बरकरार रही है अगर आप कवर लगा के यूज करते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हम डिवाइस के मेन मुद्दे के बारे में, जो कि है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, तो यहां पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर मिल जाता है। अब यहां पे ना मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि अब 888 प्लस मिलेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा Xiaomi का 11X Pro, इसमें भी 888 प्रोसेसर था। अब नेक्स्ट जनरेशन में कुछ अपग्रेड तो लाना चाहिए था, वैसे भी Xiaomi से एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा ही रहती है, तो उस हिसाब से मुझे तो लगा था यार आएगा कुछ अलग सा ही, 888 प्लस मिलेगा तो परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सेम ही मिलता है। और इसके साथ आपको वैसे एंड्रॉयड 11 मिलता है डिवाइस में, MIUI 12 का इंटरफेस है जो कि बेस्ड एंड्रॉयड 11 पे, अभी तक एंड्रॉयड 12 का अपडेट इसके अंदर हमें नहीं मिला है। इसके साथ वैसे एंटूतु स्कोर आप देख सकते हैं डिवाइस का कि हमारा 8 लाख आया
आया है और उसके साथ मैंने डिवाइस का स्टोरेज टेस्ट भी रन किया था। UFS 3.1 की हमारी स्टोरेज है, LPDDR5 की रैम है और आप देख सकते हैं 1990 की हमारी आई है रीड स्पीड, 780 की आई है हमारी लगभग राइड स्पीड। और जैसे कि मैंने डिवाइस के अंदर यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी रन किया था तो उसके अंदर 81% के आसपास हमारा स्कोर आया है, मतलब डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है। हीटिंग की मैं बात करूं तो वो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आपको थ्रॉटलिंग इश्यू जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिवाइस के अंदर। अब आगे जाके मैं देखती हूँ कंप्लीट टेस्टिंग करने के बाद आपको बताऊंगी रिव्यू के अंदर कि एक्चुअल में डिवाइस की परफॉर्मेंस हमारी कैसी निकल के आती है। वैसे अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैंने इस डिवाइस के अंदर पबजी न्यू स्टेट ऑन करी थी और इसमें मैंने थोड़ी देर गेम खेली तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। वैसे इस डिवाइस की जो कंप्लीट टेस्टिंग करूंगी उसमें मैं गेमिंग टेस्ट को सेटिंग्स को बढ़ा के करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डिवाइस के अंदर हमें हाई और वेरी हाई ग्राफिक्स और फ्रेम रेट हमें मिल जाते हैं, इसको मैं मैक्सिमम फ्रेम रेट और अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स करने के बाद मैं गेम खेलूंगी और आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में तब हमें परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली। अब इसके साथ आगे बात कर लेते हैं हम डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है 6.67 इंच का 10-bit AMOLED डिस्प्ले जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। अब डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले जो ये 10-bit डिस्प्ले हमें मिल रहा है बढ़िया चीज है, आपको इस बजट के अंदर भी ये चीज मिल रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि फायदा इसका तभी है जब के पास 10-bit कंटेंट हो। अगर आप 10-bit कंटेंट इसमें देखेंगे तो आपको डिफरेंस फील होगा बाकी डिवाइसेस के साथ। अगर आप सेम 8-bit कंटेंट ही देखेंगे तो आपको ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। मतलब ये चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहोगे कि 10-bit डिस्प्ले आपको मिले फ्लैट स्क्रीन में या फिर आपको 8-bit डिस्प्ले मिलता डुअल कर्व डिस्प्ले में। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर डुअल कर्व डिस्प्ले हमें यहाँ पे मिलता तो शायद ज़्यादा मज़ेदार वाला हो जाता, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब इसके साथ ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो वैसे आपको काफ़ी ब्राइट और कलरफुल लगेगा, मतलब सनलाइट में आपको यूज़ करना हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, आपको आराम से सब कुछ दिखेगा और बढ़िया आपको पंचीनेस दिखती है, कलर्स में बढ़िया ब्राइटनेस दिखती है, मूवीज़ वीडियोज़ को आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर लेंगे। इसके साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं Asphalt 9 खेल रही हूँ और यहाँ पे हमें काफी स्मूथ मिल रहा है एक्सपीरियंस जो है, और उसके साथ आप स्क्रॉलिंग भी करते हैं फास्ट तो वो भी आपको बढ़िया वाली मिलेगी। तो एक्चुअल में डिवाइस का डिस्प्ले जो है वो बढ़िया लगा मुझे। अब अगर मैं ऑडियो आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर हमें मिल जाते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और साउंड बाय हरमन कार्डन है और आप यहाँ पे सुन सकते हैं एक सैंपल। वैसे एक चीज क्लियर कर दो कि इस डिवाइस के अंदर हमारे पास 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं है, बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन्स नहीं मिलते लेकिन आपको कनेक्टर मिल जाता है, तो अगर आप अपने नॉर्मल ईयरफोन्स को इसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे हमें बैक में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसके अंदर आपको HM2 सेंसर मिलता है, उसके साथ 8 का है अल्ट्रा वाइड, साथ ही 5 मेगापिक्सल का आता है हमारे पास टेली एंड मैक्रो का कॉम्बिनेशन और उसके साथ 16 मेगापिक्सल का है हमारा सेल्फी कैमरा। अब कैमरा सेटअप एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा जो ये रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स था आपको यही वाला मिल रहा है, मतलब ये चीज मुझे एक्चुअल में अच्छी नहीं लगी, वही सेंसर वही कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे दे दिया गया, वो 20,000 का डिवाइस है ये 40,000 रुपए का डिवाइस है। एक्चुअल में देखा जाए अगर कंपनी जो चीज 20,000 में दे रही है वो अच्छी दे रही है, मैं ये नहीं कह रही गड़बड़ वाली दे रही है, लेकिन उस चीज को अगर आप 40,000 में भी सेम दे दोगे तो बंदे को फायदा क्या होगा, मतलब बंदा फिर आपके इसी फोन के लिए जाए, यही ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे सेंसर को बढ़ाना चाहिए था, कोई चेंज सेंसर लाना चाहिए था, या फिर होता 8 मेगापिक्सल की जगह जो हमारा वाइड एंगल उसकी जगह उसमें 12 देते, या फिर जो हमारा 5 मेगापिक्सल का टेली एंड मैक्रो का कॉम्बिनेशन उसको 13 का देते, मतलब कुछ एक बाकी किसी चीज में चेंज लाते। और सबसे ज्यादा तो सेल्फी कैमरा की मैं बात करना चाहूंगी, सेल्फी कैमरा में तो बिल्कुल ही चेंज नहीं कर रहा और Xiaomi एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है सेल्फी कैमरा के ऊपर, मतलब हर एक चीज पे यहाँ पे वर्क हो रहा है, हर एक आप मतलब जो भी डिवाइसेस आते हैं उनमें अलग अलग बेंचमार्क सेट हो रहे हैं लेकिन सेल्फी कैमरा को तो बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है Xiaomi ने, वो तो मेरे हिसाब से उनको लगता ही नहीं कि जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सैम्पल्स और एक्चुअल में मैं बताऊँ आपको तो अभी ये डिवाइस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन हमारा इतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा, मतलब इमेज प्रोसेसिंग जो है वो इतनी सॉलिड नहीं है। तो क्या हो रहा है कि पिक्स जो मैं क्लिक कर रही हूँ, मैंने क्लाउडी डे में भी पिक क्लिक करी, नॉर्मल डे में भी पिक क्लिक करी और उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है डिटेलिंग में, कंट्रास्ट में, कहीं जगह कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, रेड कलर को ओवर बूस्ट कर रहा है, कभी हमारा नॉर्मल ले रहा है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइस के अंदर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, मैंने एक साथ ही यहाँ पे पिक्स ली हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और सबसे गलत चीज़ जो मुझे लगी डिवाइस के कैमरा में वो ये है कि हमें OIS का सपोर्ट नहीं मिलता, या 40,000 के बजट पे कैसे लगता है कंपनी को कि ऐसे ही दे देते हैं कैमरा,
वीडियोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट जो मिलता है उसके अंदर आप देख सकते हैं वीडियो आपको स्टेबलाइजेशन ओके सा ही लगेगा। और सेल्फी कैमरा की वीडियो की मैं बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कि ओके सा ही लगेगा। उसके अंदर वैसे स्किन टोन ठीक आ रहा है लेकिन उतनी बढ़िया वीडियो यहाँ पे नहीं लग रही है। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल में इसको रेडमी के नोट 10 प्रो मैक्स के साथ। इवन सेल्फी कैमरा की पिक्स भी आप देख सकते हैं वो तो है हमारी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। यहाँ पे ओके लगेंगे आपको बजट के हिसाब से, लेकिन वही वाली बात है ना, जब 20,000 में भी ये चीज आ रही है तो 40,000 में भी यही चीज क्यों आ रही है? थोड़ा चेंज आना चाहिए, थोड़ा बेटर आनी चाहिए पिक्स और थोड़ा कैमरा को इम्प्रूव करना चाहिए Xiaomi को। सो गाइस ये था हमारा डिवाइस Xiaomi का 11T Pro जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे ओके सा ही डिवाइस लगा। वैसे देखा जाए तो क्वालिटी वाइज काफी कॉम्प्रोमाइज किया गया है इस डिवाइस के अंदर। मतलब आपको यहाँ पे प्लास्टिक की फ्रेमिंग मिलती है, OIS का सपोर्ट नहीं मिलता, कैमरा जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के काफी कंपेरेबल पिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि सेटअप वाइज भी कुछ ज्यादा चेंज यहाँ पे किया नहीं गया। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है ओके सा डिवाइस है, ऐसा कोई ज्यादा काम करके यहाँ पे डिवाइस के अंदर नहीं लाए गए। मतलब ठीक है अपने डिस्प्ले यहाँ पे बढ़ा दिया और चार्जिंग बढ़ा दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 40,000 के बजट में डिवाइस लेकर आ रहे हो, आपको काफी चीजों पे वर्क करना चाहिए। सो टेस्टिंग चल रही है इस डिवाइस की, मैं आपको पूरी टेस्टिंग करके रिव्यू में बताऊंगी कि एक्चुअल में डिवाइस हमारा ये कैसा निकल के आता है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर थोड़ी थ्रॉटलिंग देखी जा रही है। सो आगे बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे, आपको मिलते रहेंगे सारे बढ़िया बढ़िया वीडियोस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।